सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह और जिले के एडिशनल सीएमओ डॉ. संजीव कुमार बेलवान ने आई फ्लू के चलते लोगों से आसपास साफ सफाई रखने की अपील की है। जिले के एडिशनल सीएमओ डॉ. संजीव कुमार बेलवान ने बताया कि इस समय आई फ्लू का वायरस फैला हुआ है। किसी को आई फ्लू होता है तो वो पूरी सावधानी बरते, इतना ही नहीं बार बार आंखों को हाथ ना लगाए, अपने हाथ और शरीर को पूरी तरह से साफ रखे। डॉक्टर बेलवान ने बताया कि किसी अच्छे डॉक्टर से इस आई फ्लू का इलाज कराएं और आंखों को साफ करते रहें। उन्होंने कहा कि परिवार में किसी सदस्य को आई फ्लू होता है तो तत्काल किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। एक तरह की एलर्जी है जो एक दूसरे को टच करने से फैल जाती है। जनरली जो कंजक्टिवाइटिस अभी पेशेंट्स में देखने को मिल रही है, तो पिछले साल के अपेक्षा इस बार कुछ ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। मेरा कई ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से बात हुई है तो उनका कहना है भी है कि सर लास्ट ईयर और उससे पहले ईयर से इस बार थोड़ा संख्या कम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी काफ़ी इस बार ज़्यादा को देखने को मिलती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इस प्रकार की ह्यूमिडिटी में सीजन भी चल रहा है, तो ह्यूमिडिटी भी इस बार ज़्यादा है और थोड़ा सा हॉट सीजन भी बीच में रहा था जिसकी वजह से समस्या आ रही है। तो कारण दोनों ही हो सकते हैं, वायरल बैक्टीरियल एलर्जी कंडीशन हो सकती है। बचाव के लिए ये है कि आंखों पे बार बार अपना हाथ ना लगाएं और अपने हाथ हमेशा साफ रखें। घर में भी बच्चों से और बुजुर्गों से आपस में एक दूसरे आमने सामने ना बैठें, थोड़ा सा आइसोलेशन की आवश्यकता है जिससे एक दूसरे को, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस कंटेजियस है ये, तो इससे दूसरे में ना फैले। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई भी पेशेंट इससे सफ़र होता है या कोई भी व्यक्ति से सफ़र होता है तो वो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से लेकर ही अपना इलाज कराए, बिना किसी चिकित्सक के अपने आप दवाई खरीद कर आँख में ना डालें। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बच्चों से दूर रहें। और आज की डेट में अभी स्विमिंग पूल में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी बचना चाहिए। थैंक यू।